हेलो दोस्त, मैं राजीव। मेरे यूट्यूब चैनल कर मेजी टेक को आपको स्वागत एक दमदार वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आपका फील्ड में और आपका सीएनसी वर्क फील्ड में कैसे अपने आप को टॉपली ग्रोथ करके जाओगे। बहुत सारे सीएनसी ऑपरेटर को ये पता नहीं कि उन लोग कैसे उनका प्रोग्राम रनिंग प्रोग्राम को क्या चेक करें तो उसका टूल और प्रोग्राम गलत नहीं होगा। तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। आप जब एक सीएनसी ऑपरेटर है और आप चाहते हो कि एक सीएनसी लाइन में एक अच्छा खासा सैलरी कमाने को और आप चाहते हो कि आपका ज्यादा एक्सपीरियंस सीएनसी लाइन में लाने को, तो ये वीडियो को स्किप ना करके जरूर लास्ट तक देखिए। अब जब भी एक सीएनसी ऑपरेटर नहीं है, ये कि आपको इस लाइन में आने को इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये वीडियो शुरू करेंगे। आज मैंने आपको ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा कि आप इस ट्रिक जान लेना चाहिए। आप जो भी चाहते हो कि आप अपने आप को ग्रोथ करने को और अपने आपका एक्सपीरियंस को और ज्यादा ग्रोथ करने को, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप जब भी ये सीएनसी फील्ड को आने को चाहते हो, तो जब जब भी बिगिनर है सीएनसी लाइन में, तो आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आप एक बिगिनर है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्यों ना। मैं मेरा चैनल में हमेशा सीएनसी रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा और हमेशा कुछ ना कुछ सीएनसी रिलेटेड वीडियो और एक बेहतरीन वीडियो बनाने को कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एक सीएनसी ऑपरेटर अपने आप को ग्रोथ करेगी। क्यों ना, मैं भी खुद एक सीएनसी वर्क फील्ड में काम कर रहा हूँ एक सेटअप के नाते। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मेरा खुद एक्सपीरियंस के साथ आप कैसे आपको ग्रोथ कर सकते हो। ज्यादा देर ना करके वीडियो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी आप हमारे चैनल को पहली बार जोड़े हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में क्लिक करिए। क्यों ना, मैं जब भी इसी तरह का वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन थ्रू में मिलता रहेगा। तो चलिए, देर किस बात का, वीडियो शुरू करेंगे। आप एक अच्छा खासा प्रोग्राम लिख दिया या आपका सुपरवाइजर या इंचार्ज लोग आपको एक प्रोग्राम दे दिया उसको रन करने को, क्यों ना। आप जब भी एक सीएनसी सेटर है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन जब भी एक बिगिनर है सीएनसी ऑपरेटर, आपको ज्यादा सीएनसी का नॉलेज पता नहीं, तो आपको ये हमेशा डर रहता है कि कैसे एक न्यू प्रोग्राम न्यू सेटिंग जॉब को प्रूव करें। एक ऑपरेटर का हमेशा ये डर रहता है कि कैसे उन लोग एक पार्ट को प्रूव करेंगे। एक पार्ट प्रूव हो गया ना, देन आप निर्धड़क से आपके जॉब को रन कर सकते हो। तो उसके लिए आप सपोज आपका प्रोग्राम में कुछ गलती और कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ डायमेंशन डिफरेंट डाल दिया होगा, तो आपका टूल्स वगैरह टूट जाने को चांस है। तो उससे बचने के लिए ये ट्रिक आजमाए तो आप जरूर उसे बच सकते हैं। इस तकलीफ आपके सामने नहीं आएगा और आप और नर्वस होने को चांस नहीं है। आपके जो भी एक कभी भी ऐसा प्रोग्राम दिया जाएगा, तो आप आराम से आपका स्मूथली प्रोग्राम रन कर सकते हो। प्रोग्राम एडिटिंग कर दिया और आपका पूरा जितना सारा टूल्स लगा लिया, टूल ऑफसेट वर्क ऑफसेट पूरा ले लेने का बाद, इधर आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि आप प्रोग्राम छोड़ने से पहले हमेशा टूल का ग्राफ चेक कर लीजिए और प्रोग्राम हमेशा छोड़ने से पहले पूरा प्रोग्राम को ग्राफ आउट चेक कर लीजिए। तो प्रोग्राम में कुछ गलतियां और कुछ फॉल्ट है तो आपको डिस्प्ले में पता हो जाएगा। सपोज कुछ जी कोड एम कोड का डिफॉल्ट है तो अलार्म में शो करेगा, और कुछ डायमेंशन वगैरह डिफॉल्ट है तो आप उधर ग्राफ चेक करके देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो में मैंने आपको ग्राफ कैसे चेक करोगे बताऊंगा। तो दोस्तों, हम लोग अभी आपके सामने स्क्रीन पर ले आए कैसे हम लोग ये प्रोग्राम को एडिट करने का बाद
कैसे हम ग्राफ चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट के थ्रू में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए कि ऐसा देखे तो आपको कभी ये परेशानी नहीं होगा। आप कैसे आपका स्किल इम्प्रूव करोगे और आप पार्ट रनिंग करने से पहले या प्रोग्राम रनिंग करने से पहले प्रोग्राम को कैसे ग्राफ चेक करके एक्सीडेंट और टूल ब्रोकन से बच सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप पहले आपका ये काम है कि आप प्रोग्राम का एडिट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम में जाने के बाद आप अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट प्रोग्राम में आप क्लिक करने का देख लीजिए आपके सामने ये लिस्ट ऑफ प्रोग्राम देन सिलेक्ट ऑफ प्रोग्राम। आप दोनों को प्रेस करने के बाद आपके सामने अभी ये प्रोग्राम आ गया। कि उसके बाद आपको क्या करना, आपके प्रोग्राम के हिसाब से आप सारे वर्कअप सेट और टूल्स अरेंज करके सेट कर लेना। सेट करने के बाद आप अपने जॉब और कंपोनेंट को सेटिंग कर लिया। करने के बाद आपने उसको वर्कअप सेट ले लेना। ले लेने के बाद अभी आपका प्रोग्राम भी एडिट हो गया। एडिट होने के बाद आप क्या करना, अभी आपको प्रोग्राम रनिंग करने से पहले ये ग्राफ हमेशा चेक कर लीजिए। क्यों ना, आप जब भी ग्राफ चेक कर लोगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि आपके प्रोग्राम में कुछ फॉल्ट है और नॉट। तो चलिए कैसे हम ग्राफ चेक करेंगे उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके सामने अभी ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम आप एडिट कर लिया तो स्टेप बाय स्टेप टूल के हिसाब से आप प्रोग्राम हाइट और टूल ऑफसेट एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद आप क्या करना, मेमोरी में क्लिक करिए। मेमोरी में क्लिक करने के बाद आप ग्राफिक में क्लिक करिए। ग्राफिक में क्लिक करने के बाद आपके सामने ये साइकिल स्टार्ट बटन दिख जाएगा। उस साइकिल स्टार्ट बटन को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ग्राफ जो मॉनिटराइज है सीएनसी मशीन का डिस्प्ले है, इधर आपको शो करेगा कि आपका टूल प्रोग्राम के हिसाब से कैसे रन हो रहा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए कुछ नॉलेजेबल हुआ होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने का साथ साथ अब जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में क्लिक करिए। क्यों ना, मैं जब भी मैंने इस तरह का वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन थ्रू में पहले मिल जाएगा। तो आज के लिए ज्वाइन, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। बहुत जल्दी मैं इसी तरह का वीडियो और उससे बेहतरीन कंटेंट के साथ लाऊंगा। तो तब तक जय हिंद।